नमस्ते, मैं हूँ श्रद्धा और आज हम बात करेंगे हिबिस्कस मतलब गुड़हल फ्लावर के बारे में, जो कि आप देख सकते हो मेरे बगीचे में बहुत ही बढ़िया गुड़हल के फ्लावर आए हैं और कलर्स भी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। यहाँ पर देखिए, ये है येलो, पिंक और ये है बेबी पिंक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑरेंज, एकदम बढ़िया सा फुला फुला हिबिस्कस का फ्लावर है। उसके बाद ये है और एक येलो शेड में, और यहाँ पर ये एक है वाइट शेड में। एक्चुअली मुझे पर्सनली हिबिस्कस फ्लावर्स बहुत ही पसंद है, तो इस वजह से मैंने ये सारा कलेक्शन मेरे गार्डन में लगाया है। और शायद आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी हिबिस्कस, रोज़, ये सारे फ्लावर्स बहुत ही पसंद हो गए, क्योंकि इनकी साइज़ और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। और यहाँ पर ये एक प्यारा सा फ्लावर जो कि बहुत ही अच्छे शेड में है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आजकल बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तो हिबिस्कस फ्लावर का सीज़न नहीं है, क्योंकि हिबिस्कस के पेड़ सर्दी में डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे गार्डन में बहुत सारे हिबिस्कस के फ्लावर्स आए हैं और यहाँ अभी ये कलियाँ भी खिलने वाली है और बहुत सारी कलियाँ भी इन पर आ चुकी है। तो आज ये वीडियो खास मैं उन व्यूअर्स के लिए लाई हूँ जिन्हें हिबिस्कस फ्लावर्स बहुत ही पसंद है, लेकिन उनके गार्डन में ये कभी फूलते नहीं है या डोरमेंसी पीरियड में ये प्लांट्स जा चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा जादुई खाद, जो एक ही खाद आप इसे 15-15 दिन में प्लांट में दे सकते हो और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आप भी पा सकते हो। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट मेरे पेड़ के ऊपर किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर एक और एक हिबिस्कस का प्लांट है जो एक साइड में मैंने रखा है, जिस पर करीब करीब 8 मंथ से फ्लावर ही नहीं आ रहे थे। गलती मेरी ही थी, क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर और कौन से भी फ्लावर प्लांट हो उनको धूप बढ़िया चाहिए। और मैंने ये ऐसे बालकनी में रखा था जहाँ पर एकदम मतलब आधे घंटे की सिर्फ धूप आती थी और उसके बाद उस बालकनी में धूप नहीं आती थी। तो ये शायद प्लांट शॉक में चला गया था और ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो इस प्लांट के लिए मैंने ऑनलाइन ये खाद परचेस किया था और इसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसी प्लांट के ऊपर यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्मॉल बर्ड दिखाई दे रही होगी। इससे पहले 2 या 4 दिन के पहले 2 फ्लावर इस पर आ चुके थे, लेकिन सॉरी मैं उसका वीडियो कर नहीं पाई। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ बर्ड है और सभी देंगे। और यहाँ इसी बर्ड के नज़दीक बिल्कुल यहाँ आपको दूसरी कली भी दिखाई दे रही होगी, जो कि 4 से 5 दिन में अच्छे से इसका फ्लावर बन जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत 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 ही खुशी की बात हो गई, क्योंकि मुझे मेरी बहुत बड़ी गलती लग रही थी कि मैंने इस प्लांट को ऐसे कम धूप के बालकनी में क्यों रखा। उस वजह से ये शॉक में चला गया था बेचारा, लेकिन अब मैं बहुत 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 ही खुश हूँ क्योंकि इस पर अभी फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उस खाद के बारे में। तो ये है वो खाद जो मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था, हैपनिंग हिबिस्कस, और इस पैकेट में आप
पूरा डिटेल इसका पढ़ सकते हो। इस पर लिखा है हैंडक्राफ्टेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्पेशली डिजाइन फॉर्मूला फॉर हिबिस्कस प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन टू योर प्लांट एंड सॉइल पीपल एंड पेट्स सेफ। मतलब ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना खाद है और ये हिबिस्कस के लिए, मेनली हिबिस्कस के लिए इन लोगों ने बनाया है। और ये प्रोडक्ट मैंने किसी भी वीडियो में देखा नहीं था। एक्चुअली मैं अमेजोन पर सर्च कर रही थी कि हिबिस्कस के लिए ऐसा कौन सा खाद मुझे मिल सकता है। तो देखिए, अब कौन सा भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है तो थोड़ा तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि शायद ये हमारे प्लांट के लिए अच्छा साबित हो। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं लेकिन कई कई प्रोडक्ट कुछ भी काम नहीं कर पाते और खाली हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट के बारे में मैं श्योरली आपको कह सकती हूँ और मैंने आपको अभी अभी इसका एग्जांपल भी लाइव दिखाया है कि ये प्रोडक्ट मेरे प्लांट को कितना हेल्पफुल साबित हुआ है। तो हैपनिंग हिबिस्कस नाम से अमेजोन पर ये प्रोडक्ट है, आप ज़रूर अमेजोन से ये परचेस कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ ये आज आपको बता रही हूँ कि आपका भी प्लांट अगर शॉक में चला गया हो या आपके गैलरी में कम धूप आती हो लेकिन आपको गुड़हल प्लांट लगाना पसंद है, उसके फ्लावर्स पसंद है, तो बेशक आप ये खाद अमेजोन से ख़रीद सकते हो। बाकी इसके सारे डिटेल्स, मतलब प्राइस, वेट, इस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी, आप वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो बस यही आपको बताना था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए आप अंडे के छिलके डालो या फिर आयरन की अलग सी पाउडर रहती है वो डालो और कौन कौन सी खाद डालो उसके उसकी क्वांटिटी हमें बहुत बार समझ में नहीं आती, कई बार हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। लेकिन इस एक ही प्रोडक्ट से आप इतने सारे फ्लावर्स आपको अगर अपने प्लांट पर मिल रहे हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और इस ऑरेंज प्लांट में यहाँ आप देख सकते हो कितनी सारी कलियाँ और बन रही है, यहाँ पर भी एक कली है, तो बहुत सारी कलियाँ इस प्लांट पर है और यहाँ पर भी पिंक शेड पर, यहाँ पर भी आपको कली नज़र आ रही होगी और यहाँ पर भी एक अच्छी सी बर्ड प्रोड्यूस हुआ है। बाकी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये गुड़हल का प्लांट हो या कौन सा भी प्लांट हो, कम से कम पानी दीजिए। ज़्यादा आप अगर सॉइल गीली रखोगे तो कलियाँ अपने आप से फूलने से पहले ही गिर जाएगी, ये तो सभी जानते हैं। और पानी हमेशा गमले में चेक करके दीजिएगा। उसके बाद कौन से भी फ्लावर प्लांट को धूप चाहिए, धूप की अगर मेरे बालकनी में हम आप देख सकते हो मेरे बालकनी में, यहाँ इस बालकनी में भी कम धूप आती है लेकिन तभी भी इतने सारे फ्लावर्स मेरे हिबिस्कस प्लांट पर अभी तो है। तो और एक बात इस प्लांट के बारे में, इसमें मिली बग्स का अटैक हो जाता है और इसके लिए आपको हफ्ते में एक बार किसी भी नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। और अगर नीम ऑयल वर्क नहीं कर रहा हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए एक और एक पेस्टिसाइड बता देती हूँ, आप जाकर उसे चेक कीजिएगा। और जो भी मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, लाइव एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसका रिज़ल्ट सामने देख पा रहे हो। तो बस इतना ही आज के मेरे वीडियो में, हम मिलेंगे और किसी फ्लावर प्लांट के साथ। और अगर आपकी कुछ रिक्वेस्ट हो
कौन से भी फ्लावर प्लांट के बारे में कौन सा भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते और कुछ मेरे गार्डन की सैर आपको करवा देती हूँ। ये है अलमंडा और इसके भी फूल मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ आप देख सकते हो। ये मैंने कल ही परचेस किया है विंका फ्लावर। और ये है मेरा चंपा का प्लांट, तो इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। इस प्रकार मेरे गार्डन में हमेशा फूल ही फूल लगे रहते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सुबह 10 मिनट भी गार्डन में आप बैठेंगे तो बहुत ही दिन भर में आपको फ्रेश फील होगा। तो आप भी इस प्रकार का गार्डन आपके गैलरी में टेरेस पर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।